आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं ही बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है दिन संडे का और सुबह से तो मैंने कोई वीडियो स्टार्ट की नहीं, अभी बज गए हैं शाम के 6:15। आप सोच रहे होगे ये कौन सा टाइम है भाई वीडियो स्टार्ट करने का। तो गाइज मेरी तबीयत आप जैसे कि जानते हो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आज मैं सुबह बहुत लेट उठी थी, 7 बजे उठी थी। मतलब 7 बजे उठने के बावजूद भी ना कि मेरी आँखें और सर में इतना दर्द हो रहा था, बिल्कुल भी आंखें खुली नहीं रही थी, मन कर रहा था बस लेट ही रहूं। आलस इतना पता नहीं क्यों आ रहा है इतना आलस। तो पूरा दिन मतलब मेरे को फिर घर का काम करने में लग गया, जैसे कि आपको पता ही है कि भाई संडे को कपड़े वगैरह कितने हो जाते धोने के लिए। तो इस वजह से कपड़े लत्तों में लग गई मैं धोने में, और फिर झाड़ू पोछा इतना सारा काम हो गया, खाना बनाना। तो मुझे ना दोपहर के बज गए 1:30 काम करते करते। उसके बाद 3 दिन हो चुके थे रील शूट नहीं करी थी मैंने। मैंने कहा यार तबीयत का बहाना कब तक बनाऊंगी, वैसे बहाना नहीं बना रही हूँ गाइस, सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो अभी तो मेकअप कर रखा है ना, इस वजह से आपको लग नहीं रही होगी, अदरवाइज मेरा मुँह पूरा उतरा पड़ा है। और फिर मैंने 1:30 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ ना, तो मैंने कहा लेटूंगी नहीं, लेट गई ना तो फिर मेरी आँख नहीं खुलने वाली। मैं गई नीचे और मैंने मतलब अभी मैं स्टार्ट पता है क्यों कर रही हूँ वीडियो, मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं नीचे गई ना तो एक साड़ी थी मेरी इतनी पुरानी शादी की साड़ी। तो मैं कह रही इतने दिन से वो साड़ी ना रखी पड़ी। मैंने कहा कब किसको दूँ, इतनी पुरानी मॉडल कोई पहनेगा भी तो नहीं ये और वो, भाई इतने दिन से सोच रही थी। तो फाइनली मैंने कहा चल एक रील तो बना ही लेती हूँ मैं, मतलब पहन के देखती हूँ अच्छी लगेगी या नहीं। तो वो साड़ी है ये वाली, और आप बिलीव नहीं करोगे इतनी पुरानी साड़ी और आज मैंने पहनी है और मुझे तो मतलब इतनी ऑसम लग रही है। तो मैंने क्या किया है इसके ब्लाउज़ के साथ वेयर नहीं किया, मैं इसको क्यों नहीं पहन रही थी पता है, मैं इसलिए नहीं पहन रही थी क्योंकि इसका ब्लाउज़ मेरे आता नहीं है, मैं शादी पर बहुत ज़्यादा पतली थी तो इस वजह से मैंने इसको पहनना ही छोड़ दिया था। तो अभी बहुत ज़्यादा मुझे ये पुराना डिज़ाइन लगता था इसलिए मैं पहन ही नहीं रही थी। तो आज मैंने क्या सोचा कि इसमें ना ब्लैक कढ़ाई है तो मैं ब्लैक ब्लाउज़ के साथ पहन के देखती हूँ, और ऐसी मेरे पे साड़ी भी है जिसमें ऐसा बॉर्डर है तो उसका ये ब्लाउज़ है। तो मैंने कहा सीक्वेंस है इसमें और इसमें भी सीक्वेंस है तो एकदम मैच कर रहा है, तो मैंने कहा इस पर पहन के देखती हूँ। और मैंने पहना ना गाइस, मतलब मैं खुद ही हैरान हूँ, इतनी पुरानी साड़ी और इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है। मैं आपको ये फुल लुक दिखाऊंगी ऊपर जाने के बाद। तो इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट की है, मैंने कहा आप भी इस तरह से ना पुरानी साड़ी वेयर कर सकते हो, उसका ब्लाउज छोड़ दो फेंक दो क्योंकि पुराने ब्लाउज ना तो हमारे आते हैं ना तो हमारे फिटिंग आती है, ना ही वो सिले भी इस तरह से होते हैं क्योंकि हम पहले इतने नॉलेज थी नहीं, कोई भी चीज़ डिज़ाइनर पहनने वाली नॉलेज नहीं थी हमारे अंदर। अभी तो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो डिज़ाइनर बनाते हैं या फिर बनवाते हैं तो डिज़ाइनर ही बनवाते हैं। तो अब के जो ब्लाउज़ है ना गाइस, उनके साथ अगर आप पुरानी साड़ियों को पहनोगे ना बिलीव नहीं करोगे इतनी अच्छी लगेंगी। और मुझे तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा इतनी अच्छी लग रही है साड़ी, मैं आपको दिखाती हूँ फुल लुक। तो मैंने कहा अभी मैं रील शूट करके निपटी हूँ गाइस, 6:15 हो गए, 1:30 बजे से रेडी होने लगी हूँ मैं, हो चुके हैं। और आप लगा लो कितनी मेहनत करते हैं हम लोग और रिस्पॉन्स 0 लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग मेहनत ही कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हाथ में नहीं है ना। तो आइए चलते हैं ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ अपना फुल लुक। तो मैंने इसके साथ मेहरून कलर की इससे मैच करती हुई चूड़ियाँ डालनी हैं, और इसके साथ मतलब ब्लैक तो मेरे पे है नहीं कड़े वगैरह तो इसलिए मैंने प्लेन ही डाली, तो प्लेन भी सुंदर लग रही हैं। और कुछ भी नहीं डाला, ना कान में चेंज करे ना गले में कुछ डाला, जो डेली यूज में डालती वही है, बस हेयर स्टाइल बना लिया, पफ बनाया और पीछे ये ग्लैचर लगा लिया और बस। इससे ज़्यादा मैंने कोई मेकअप वगैरह किया नहीं है, आज लाइनर लगाया है तो लाइनर मैं कभी कभी लगाती हूँ और अच्छा लगता है, मतलब आपको अच्छा लगता है मुझे तो अच्छा लग रहा है आज। तो चलिए फटाफट, ज़्यादा बकबक ना करते हुए, 4 मिनट की बातें हो गई, आप भी बोर हो जाओगे, क्या हो गया क्या है बोर करती है इसीलिए हम लोग देखते नहीं है तेरी वीडियो। तो चलिए फटाफट ऊपर ले चलती हूँ मैं आपको, फिर दिखा। ऊपर जाने से पहले एक बात याद आ गई कि सब लोग देखेंगे इतनी हैवी रेडी होके कहाँ जा रही है भाई, तो मैंने सोचा चूड़ियाँ उतार देती हूँ, है ना, चूड़ियाँ उतार के तब जाती हूँ। तो चूड़ियाँ उतार के जा रही हूँ तो लुक थोड़ा सा सिंपल आएगा, तो देख लेना वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है।
तो आप इसको हैवी लुक में भी ट्राई कर सकते हो। इस साड़ी को बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही मतलब मजा आ गया मुझे तो पहन के। चूड़ियाँ, ये जो चूड़ा की जो ये चूड़ियाँ होती है ना, ये अंदर से बहुत चौंचीली होती है, चौंचीली बोलते हैं या नौकीली बोलते हैं, हाँ नौकीली बोलते होंगे, तो ना चुभती है ये उतारने में। ये वाला हाथ हार्ड होता है ना थोड़ा, इसमें से तो आराम से उतर जाती कोई भी चूड़िया, ये वाला हाथ ना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी रील्स मैंने आज शूट की है, तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे सर्च मारें पिंकी सैनी और जाके फिर प्लीज मुझे फॉलो करें। आइए चलते हैं ऊपर, यहाँ पे आपको दिखाऊं पूरा दिन ना बच्चे इन्हीं रूम में खेलते पूरा दिन। जब से ये साफ करे ना दोबारा, मम्मी आने वाली थी तो दोबारा साफ करे थे। आवाज देख रहे हो कैसे गूंज रही है, क्योंकि इसमें अभी कोई सामान नहीं है ना, इस वजह से पूरा दिन दोनों ना इसी रूम में खेलते हैं, चाहे इनको गर्मी लगे चाहे कुछ लगे। तो ये वाला रूम तो अंधेरे में दिखेगा नहीं आपको, ये देखिए थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है। तो दीदी के जो वो थे ना गत्ते छोड़ गई थी दीदी यहाँ पे, तो वो बिछा के खेल रही है दोनों। बच्चे भी बहुत शैतान होते हैं। तुल्ली ऊपर आइयो, थोड़ा सा शूट करते हैं, आजा। तुल्ली से थोड़ा सा शूट करवा रही हूँ ऊपर का। मौसम है सुहाना बड़ा मौसम, ये देखिए कितना सुहाना मौसम है, ये देखिए है ना। इस वाले पेड़ में ना पता नहीं क्या ही हो जाता है, इतनी पानी की कमी हो जाती है हद से ज़्यादा। अभी सारे पेड़ों में पानी डालना पड़ेगा, ये देखो गुड़हल का क्या हाल हो गया, एक दिन नहीं चलता पानी का, ली रात को डाला है मैंने, शाम को मतलब। हवा चल रही है आज बहुत अच्छी, ये देखिए साड़ी है ना। कोई बोलेगा ये मतलब 13 साल पुरानी साड़ी है ना, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, आप बताओ। अभी आपको ना दूर से दिखाऊंगी तुल्ली से सूट करवा के, तब बताना है ना कि साड़ी लग रही है 13-14 साल पुरानी, 2009 की, मुझे तो नहीं लग रही, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। इसकी ना कढ़ाई की जो फिनिशिंग है ना वो भी बड़ी बारीकी से है, ये देखिए है ना, बहुत ही फिनिशिंग से काम हुआ पड़ा है, बहुत महंगी आई थी ये उस टाइम। तो आगे ये तुल्ली शूट कराती हूँ इससे। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है। थोड़ा सा शूट करवा लिया मैंने तुलिका से, देख लेना कैसा शूट हुआ है। अभी मैं फटाफट फटाफट पानी डाल लेती हूँ पेड़ों में। तो ये वाली जो लिपस्टिक है ना वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये दोबारा मिल नहीं रही है, अभी ख़त्म हो गई है बिल्कुल, पहुँच पहुँच के लगाई है मैंने। इसका कलर बहुत प्यारा है। तो चलिए फटाफट डाल लेती पानी, अंधेरा हो जाएगा अदरवाइज। 6:30 तो हो ही गए हैं, 6:15 हो रहे थे जब मैं आई थी, तो थोड़ी देर हो गई है अभी आई। तो यहाँ पर मैंने सोचा है कि मैं पहले घूम लेती हूँ थोड़ी देर, बाद में पानी डालूंगी, अदरवाइज़ पानी डाल दिया ना तो पूरी छत पे कीचड़ हो जाएगी, फिर मेरी साड़ी भी ख़राब हो जाएगी। तो उसके बाद मैं घूमने के बाद अपनी साड़ी चेंज करके फिर मैं पानी डालूंगी प्लांट्स में। तो जी लीजिए यहाँ पे मैं साड़ी भी चेंज करके आ गई हूँ, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, तो कोई मेहमान आ गए थे हमारे घर में, तो उनसे बातें बातें करने लगी थी, चाय वगैरह बनाने लगी थी, तो इस वजह से मैं लेट हो गई थोड़ी सी। तो अभी मैंने देखा पेड़ ज़्यादा मुरझा रहे हैं, इसलिए डालना ज़रूरी है, वरना सुबह डाल देती। सो एवरीवन, तो साड़ी चेंज कर ली मैंने, मेहमान आ गए थे इस वजह से मैं उन लोगों से बातें करने लग गई, इस वजह से अंधेरा हो गया। तो अभी आई हूँ, थोड़ा बहुत पानी डाल दिया, तो टंकी में पानी भी नहीं है इसलिए पूरे गमलों में पानी भी नहीं डाल पाई मैं, बस इधर के
उसमें डाल पाई हूँ, बाकी कहीं नहीं डाल पाई, इधर मैं कहीं भी नहीं डाल पाई। आप देख सकते हो सूखी पड़ी छत। तो पानी डालने के लिए मैंने इसलिए चेंज कर ली साड़ी, क्योंकि ना पता क्या होता उसके प्लेट वगैरह सारी ख़राब हो जाती, क्योंकि पानी से कीचड़ हो जाती ना पूरी छत पे, तो इस वजह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो हस्बैंड तो जाके बैठे मम्मी के यहाँ पे, उनका चक्कर लगा था, आज संडे है ना तो दूर चले गए थे वो, तो दिल्ली की साइड चले गए थे काम करने के लिए, तो वो जा चले गए मम्मी के यहाँ, मम्मी के यहाँ हैं वो तो। चलिए वो मम्मी के यहाँ है तो मुझे लग रहा है कि काश मैं भी होती मम्मी के यहाँ, है ना। मज़े तो मैंने कहा आपके यहाँ भी फ़ोन करके मुझे चिढ़ा रहे कि मैं तो मम्मी के यहाँ हूँ, मैंने कहा झूठे, तो वीडियो कॉलिंग में दिखा रहे मुझे कि ये देख मम्मी का घर। मैंने कहा यार आप तो सच बोल रहे हो, मैंने कहा मज़े तो फुल आप ही ले रहे हो ज़िंदगी के, तो मज़े नहीं है गर्मी में इतनी धूप में काम करना बाइक पे, तो ये भी बहुत मुश्किलों भरा होता है। मेरी मेहंदी बिल्कुल छूट चुकी है, अभी ये बिल्कुल छूट जाएगी ना, फिर नया डिज़ाइन लगाऊंगी, है ना। इस बार कावेरी लगाऊंगी, कावेरी अच्छी रचती है, ये वाली जो मेहंदी है ना अच्छी रची थी, राखी पे मेरी इतनी अच्छी रची नहीं थी, क्योंकि वो मैंने दुल्हन श्रृंगार लगाई थी, और ये जो मम्मी की बची हुई थी ना, मम्मी ने भेजी थी 4-5 की तीज पे, है ना, हाँ, तो तभी की रखी हुई थी, तो ये वो लगाई थी, ये बहुत अच्छी रची थी। तो अब मैं कावेरी लेके आऊँगी, वो अच्छी रचती है। तो होप करती हूँ आज की छोटी सी वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।